नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवगन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरि द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाए और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवगन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवगन ने शेट्टी के निर्देशन बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की को यूनिवर्स बनाती है। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंघम अगेन नामक सिंघम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंघम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा,
यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरी द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है।
उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाए और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और सेठी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने सेठी के निर्देशक बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर सेठी की को यूनिवर्स बनाती है। सिंगम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंगम अगेन नामक सिंगम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंगम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंगम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग
अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस इंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरी द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशक बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की कोफ यूनिवर्स बनाती है। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंघम अगेन नामक सिंघम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, सिंघम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस इंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरी द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशक बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की कोफ यूनिवर्स बनाती है। सिंगम, सिंगम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंगम अगेन नामक सिंगम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवगन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरी द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में, जिसमे उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशक बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की कोफ यूनिवर्स बनाती है। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंघम अगेन नामक सिंघम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंघम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवगन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरी द्वारा 2010 में इसी नाम की
तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंगम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और सेठी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने सेठी के निर्देशक बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर सेठी की को यूनिवर्स बनाती है। सिंगम, सिंगम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंगम अगेन नामक सिंगम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंगम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंगम। इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, 57% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन,
रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस इंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरी द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की इसके सिंगल रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशन बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की कोफ यूनिवर्स बनाती है। सिंगम, सिंगम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंगम अगेन नामक सिंगम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस इंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरि द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशक बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की कोफ यूनिवर्स बनाती है। सिंगम, सिंगम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंगम अगेन नामक सिंगम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवगन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरि द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक, इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में, जिसमे उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवगन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवगन ने शेट्टी के निर्देश बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की कोफ यूनिवर्स बनाती है। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंघम अगेन नामक सिंघम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंघम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस इंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरि द्वारा 2010 में इसी नाम की
तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंगम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाए और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और सेठी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया। देवन ने सेठी के निर्देशन बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर सेठी की को यूनिवर्स बनाती है। सिंगम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंगम अगेन नामक सिंगम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंगम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंगम। इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन,
रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरी द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाए और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशन बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की को यूनिवर्स बनाती है। सिंगम सिंगम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंगम अगेन नामक सिंगम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम। इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरि द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाए और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशन बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की को यूनिवर्स बनाती है। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंघम अगेन नामक सिंघम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंघम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरि द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाए और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशक बनी सिम्बा, 2018 सूर्यवंशी, 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की को यूनिवर्स बनाती है। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंघम अगेन नामक सिंघम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंघम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस इंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरी द्वारा 2010 में इसी नाम की द
तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंगम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाए और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और सेठी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने सेठी के निर्देशक बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर सेठी की को यूनिवर्स बनाती है। सिंगम, सिंगम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंगम अगेन नामक सिंगम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंगम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंगम। इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन,
रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरी द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशक बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की कोफ यूनिवर्स बनाती है। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंघम अगेन नामक सिंघम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंघम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस इंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरी द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशक बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की कोफ यूनिवर्स बनाती है। सिंगम, सिंगम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंगम अगेन नामक सिंगम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवगन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरी द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में, जिसमे उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशक बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की कोफ यूनिवर्स बनाती है। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंघम अगेन नामक सिंघम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंघम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवगन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरिद्वारा 2010 में इसी नाम की
तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंगम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और सेठी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने सेठी के निर्देशक बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर सेठी की को यूनिवर्स बनाती है। सिंगम, सिंगम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंगम अगेन नामक सिंगम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंगम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंगम। इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन,
रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस इंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरी द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की इसके सिंगल रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशन बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की कोफ यूनिवर्स बनाती है। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंघम अगेन नामक सिंघम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंघम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस इंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरि द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशक बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की कोफ यूनिवर्स बनाती है। सिंगम, सिंगम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंगम अगेन नामक सिंगम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवगन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरि द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक, इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में, जिसमे उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाई और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवगन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवगन ने शेट्टी के निर्देश बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की कोफ यूनिवर्स बनाती है। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंघम अगेन नामक सिंघम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंघम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस इंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरि द्वारा 2010 में इसी नाम की
तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंगम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाए और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और सेठी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया। देवन ने सेठी के निर्देशन बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर सेठी की को यूनिवर्स बनाती है। सिंगम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंगम अगेन नामक सिंगम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंगम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंगम। इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन,
रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरी द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाए और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशन बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की को यूनिवर्स बनाती है। सिंगम सिंगम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंगम अगेन नामक सिंगम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सिंघम मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी सिंघम। इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया रोहित शेट्टी ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
और दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 60% लाइक भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 60% गूगल यूजर्स की तरफ से लाइक भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 57% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 22 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको अजय देवन, रोहित शेट्टी, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, अनंत जोग, अशोक सम्राट आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 247.89 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो सिंघम 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण रिलायंस इंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म लेखक यूनुस संजावाल और फराज साजिद की पटकथा पर आधारित है। यह शेट्टी की कोफ यूनिवर्स की पहली किस्त है। हरि द्वारा 2010 में इसी नाम की तमिल सूर्य फिल्म की रीमेक। इस फिल्म में अजय देवन मुख्य भूमिका में, जिसमें उन्होंने बाजीराव सिंघम नामक एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। उनके साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी है, जिन्होंने मूल फिल्म की तरह ही अपनी भूमिका दोहराई है। यह 22 जुलाई 2011 को भारत में एक मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया के साथ नाटक के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म ने पहले दिन भारत में 870 मिलियन कमाए और 410 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 1.57 बिलियन कमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफलता के साथ बाद देवन और शेट्टी की स्किल सिंगर रिटर्न 2014 के लिए सहयोग किया है। देवन ने शेट्टी के निर्देशन बनी सिम्बा 2018, सूर्यवंशी 2021 में अपनी भूमिका दोहराई है, जो मिलकर शेट्टी की को यूनिवर्स बनाती है। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा और सूर्यवंशी की घटनाओं के बाद सिंघम अगेन नामक सिंघम रिटर्न का सिकिल 2024 में रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंघम मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आप प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।